असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया। आरटीपीसीआर टेस्ट कुंभ के दौरान हुए, उसमें महा घोटाला, रोजगार के नाम पर घोटाला, वहाँ हर कदम कदम पे घोटाला। सिर्फ ये कह देना बीजेपी कभी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ सिर्फ स्लोगन से नहीं बढ़ता है, करना पड़ता है। पांच राज्यों में चुनाव विधानसभा के होने हैं, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायिका हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, असम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी पर टिप्पणी किए हैं। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया। राहुल जी को टिप्पणी नहीं बल्कि घटिया मानसिकता का परिचय दिए हैं। और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान पब्लिक जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड में इन लोग कुछ काम नहीं किए। आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से चाहते कि सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन आज वहां वोटिंग हो रही है और वहां की सम्मानित जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही। मैं खुद वहां ऑब्जर्वर रही हूं, तो मुझे पता है कि वहां काफ़ी बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। आरटीपीसीआर टेस्ट कुंभ के दौरान हुए, उसमें महा घोटाला, रोजगार के नाम पर घोटाला, वहां हर कदम कदम पर घोटाला है। किसानों के साथ इन लोगों ने छलावा किया, कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ये वोट मांगे। इनके पास एकमात्र माध्यम रह गए हैं राहुल जी और कांग्रेस पार्टी, तो जनता सब समझ रही है। और इस घटिया बयान के लिए तो हम कहेंगे जितनी भी निंदा कीजिए उतना कम है, और आदरणीय मोदी जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए पूरे देश की महिलाओं से। ये सोनिया जी और राहुल जी का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान है। मैम, यूपी में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर प्रियंका गांधी खुद वहाँ पे प्रभारी हैं, इसे कैसे देखती है मैडम? आप भी एक महिला हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखेंगे तो इसकी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला ही थी, यानी दशक, और उसके बाद इसके अब प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा स्पीकर बोले, राष्ट्रपति के लिए जो भी हो, महिलाओं को प्रमोट करने में कांग्रेस पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रियंका जी यूपी में महिलाओं को 40% टिकट दी हैं। तो सिर्फ ये कह देना बीजेपी कभी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ सिर्फ स्लोगन से नहीं बढ़ता है, करना पड़ता है, उसको कार्य रूप, उसको मूर्त रूप देना पड़ता है, जो प्रियंका जी कर रही हैं। महिलाओं को उन्होंने 40% टिकट दिया है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन होगा। मैम, बिहार में भी कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, किस तरीके से प्रभारी भी आए थे, किस तरीके से सदस्यता अभियान किया जा रहा है? यहाँ पे डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से किया जा रहा है, और मैं खुद करवा रही हूँ अपने जिले में, वैशाली जिले में। तो नौजवानों में, महिलाओं में, सब में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, महंगाई चरम पे है। दूसरी बात की रोजगार का देखा जाए तो अभी आपने देखा एनटीपीसी के लिए नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, तो कहीं ना कहीं नौजवान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के राज में 7 साल में कुछ हुआ नहीं, तो कांग्रेस की तरफ सब लोग मुखातिब हो रहे हैं और बीजेपी के जुमलेबाज सरकार को कार फेंकने के संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्यता में शामिल हो रहे हैं। मैम, बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं, राजद ने 21 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कांग्रेस कब तक उम्मीदवार घोषित करेगा? मैडम देखिए, अभी तो हम लोग बहुत छोटे वर्कर हैं, इसका निर्णय तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। अब जो निर्णय उनका होगा, हम लोग पार्टी के लोग हैं, छोटे सिपाही हैं, जो उनका निर्णय होगा। सर, आपको आपने कहा कि यूपी में जो प्रियंका गांधी प्रभारी बनकर गई हैं, तो महिलाओं को सम्मान दे रही हैं, महिलाओं को ज़्यादा सीटों पे उम्मीदवार बना रहे हैं, तो बिहार एमएलसी चुनाव में क्या लगता है कि कितने उम्मीदवार होंगे महिला? देखिए, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं निश्चित रूप से संगठन से जुड़ी हुई हैं, वो इच्छा जाहिर करेंगी तो पार्टी जरूर कंसीडर करेगा और उनको टिकट मिलेगा। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बढ़ता जाएगा। हमारे अध्यक्ष हों चाहे आदरणीय सोनिया गांधी जी हों, मैडम तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका हमेशा रहता है सोच कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसी महिलाएं आएंगी जो इच्छा जाहिर करेंगी, तो पार्टी जरूर उनका ध्यान रखेगी। तो ये थी कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी, जिन्होंने हमारी तमाम सवालों के जवाब दी। असम के मुख्यमंत्री के अभद्र टिप्पणी पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार के एमएलसी चुनाव पर कहा कि जल्द ही आलाकमान तय करेंगे, उसके अनुसार उम्मीदवार को घोषित कर दिया जाएगा। डीटीवी भारत के लिए धीरेंद्र कुमार पटना।